वेलकम एवरीवन। वी ऑल हैड सीन दैट ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। नाउ इन टुडेस लेक्चर आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। इन क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देयर आर सम फ्रैक्शंस और वी कैन से दैट देयर आर सम रैशनल नंबर्स आर गिवन। तो इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लेट अस अरेंज दीज नंबर्स। जो नंबर हमारे पास हैं 6 upon -5, -7 upon 15, -9 upon 20, 2 upon -25। ठीक है, अब हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब भी हमें पहले हम देखें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे लार्ज नंबर, फिर उससे लार्ज नंबर, फिर उससे लार्ज नंबर, फिर उसके बाद में लास्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो ऐसे छोटे से बड़े की ओर हमें अरेंज करना है इन सभी नंबर्स को। तो अब ये कैसे अरेंज करते हैं, चलिए इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कैसे अरेंज करेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जितने निगेटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे -5, दिस इज इन डिनोमिनेटर और हियर इज -25, तो इस डिनोमिनेटर में जितने निगेटिव नंबर है इसको पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी हमें पॉजिटिव बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि -1 से ऊपर और नीचे, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर, तो दोनों में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपनी वैल्यूज पॉजिटिव में मिल जाएगी जो हम चाह रहे थे। मल्टीप्लाई करते हाँ, तो हम क्या करें 6 into -1, आई एम डूइंग 6 into -1, तो यहाँ पे -5 में करेंगे into -1। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे 2 into -1। सिमिलरली हियर आई एम डूइंग -25 into -1। नाउ सी व्हाट वी गेट -6 upon -6 upon 5, वी गेट -6 upon 5। नाउ वी आई एम राइटिंग सेकेंड रैशनल नंबर -7 upon 15, अगेन -9 upon 20, अगेन 2 into -1, दैट मीन्स -2 upon 25। क्लियर, तो आप देखिए जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सभी डिनोमिनेटर्स हमारे ये पॉजिटिव में हो गए हैं। नाउ अब इन सभी नंबर्स को कंपेरिजन करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। तो अब इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए व्हाट वी डू, वी विल फाइंड एलसीएम, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। तो 5, 15, 20 and 25. तो लेट अस फाइंड दिस। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए टू लिया हमने, यहाँ 5 आ जाएगा। हियर विल कम 15, हियर विल कम 10, when 20 is divided by 2 we get 10, then here will come 25. Clear everyone? Again I am taking 2, here is 5, here is 15,
when we divide 10 by 2, we get 5. Again, 25. Now, we will divide by 3, then we get 5, comma. When 15 is divided by 3, we get 5, then again 5, then again 25. Okay, now we will take 5. We'll take 5. So 5 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
1 1 1 1 ठीक. नाउ एलसीएम हमारा कितना आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 5. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी गेट, एलसीएम कितना आएगा हमारा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 100 × 3 = 300. ठीक है. तो अब जो हमारा ये 300 आया है, इस 300 की मीनिंग ये है, इस 300 की मीनिंग ये है कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में गिवन है, सपोज -6/15, तो इनमें हमें डिनोमिनेटर को 300 बनाना है, इनमें डिनोमिनेटर को 300 बनाना है हमें. तो चलिए बनाते हैं 1 by 1. तो -6/5. अब 300 बनाना है तो बताइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 300 बन जाए. यहाँ 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमें 300 बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, एक 5 यहाँ से हटा दें और बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आएगा, 60 से मल्टीप्लाई. क्लियर, 60 से हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें इसमें. तो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई 60. ओके, नाउ नेक्स्ट -7/15. तो अब 15 के प्लेस पे हमें 300 चाहिए, 15 के प्लेस पे हमें 300 चाहिए. देन व्हाट वी डू, अब हम क्या करें, हम किससे करें मल्टीप्लाई. तो इधर है -7, इधर है 15, 20 हमें चाहिए 300, है ना. तो 15 नीचे है तो 3 × 5 = 20. यस, 20 से हम कर दें मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हम कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 300 आए. ओके, नाउ लेट अस सी आर थर्ड नंबर. थर्ड नंबर इज -9/20, -9/20. अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 300 मिल जाए. किससे करेंगे, 15 से. देखिए आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, जो हमने ये एलसीएम फाइंड किए इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 20 है तो 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, और 4 × 5 करेंगे तो वी गेट 50. सॉरी 20 हमें आया, 4 × 4 = 20. अब बाकी जो बच गया उससे दैट मींस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस टाइम पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15. दैट मींस व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इन डिनोमिनेटर देन वी विल आल्सो मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर आल्सो. ओके, नाउ मल्टीप्लाई -2/25. अब इसमें भी हमें डिनोमिनेटर में 300 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12
इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 वेल गुड यू ऑल आर अवेयर तो ऐसे ही आप लोग अवेयर रहिए ठीक है 12 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लियर 12 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं जो हमने ये लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं आई विल राइट हियर हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप लोग देखिएगा ठीक है नाउ 5 × 60 ले तुम्हारा 300 ही आएगा दिस विल बी 300 नाउ यूज कॉमा हियर -7 × 20 व्हाट वी गेट -140 ओके नाउ अपॉन 300 300 कॉमा नाउ थर्ड नंबर इज -9 × 15 व्हाट वी गेट 59 फोर्थ नंबर -2 × 12 -24 ओके नाउ इन डिनोमिनेटर वी गेट 300 हमें सभी डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं मिल गए हैं दिस विल बी इजी ये अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको कंपेयर करना ठीक है हम अब हमारे लिए ये कंपेयर करना इजी हो जाएगा तो चलिए कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए व्हाट वी सी हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे वी विल सी ओनली न्यूमरेटर ठीक है हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे अपना कंपेयर करने के लिए सो वी हैव -360 -140 -135 -24 सो वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे देन व्हिच इज स्मॉलेस्ट नंबर -360 और -24 व्हिच इज स्मॉलेस्ट We have -360, -140, -135, -24. ये सभी नंबर्स हैं हमारे पास अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे देन विच इज स्मॉलेस्ट नंबर तो इन केस ऑफ निगेटिव नंबर्स के केस में जो सबसे लार्ज नंबर दिखता है हमें जो सबसे लार्ज नंबर दिखता है वो नंबर स्मॉलेस्ट होता है That means सबसे लार्ज नंबर कौन सा दिख रहा है अगर हम सिंपल इग्नोर कर दें देन वी गेट टू नो दैट 360 इज लार्जेस्ट अगर हम सिंपल इग्नोर कर दें तो बट 360 इज विद माइनस ये माइनस के साथ में है तो जब भी माइनस किसी भी नंबर के साथ में लगा होता है और डिजिट से वो सबसे बड़े दिखते हैं तो वो डिजिट सबसे छोटा हो जाता है That digit becomes smallest. So in this way we can say that -360 upon 300 is smallest number. ये हमारा क्या है? This is our smallest number. Clear?
ठीक है, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और देन नेक्स्ट नेक्स्ट प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आएगा? दैट मीन्स माइनस 360 से जस्ट जो बड़ा नंबर होगा इन सभी में कौन कौन से हैं? माइनस 140, माइनस 135 एंड माइनस 24। वी हैव माइनस 140, माइनस 140 अपॉन 300। ओके, नाउ देन माइनस 135, माइनस 135, माइनस 135 अपॉन 300। अगेन माइनस 24 अपॉन 300। ठीक है, माइनस 24 अपॉन 300। क्लियर, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अच्छा, इसमें किसी, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम कि माइनस 1360 ये सबसे स्मॉलेस्ट क्यों होगा? नो सर, नो सर। किसी कोई प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई विल गिव इट सॉल्यूशन। देखिए हम बता दे रहे हैं, आई थिंक यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, आप लोग भूल गए होंगे। No, sir. Have you seen number line? Yes, sir. Yes, sir. Number line आप लोगों ने देखा है, तो number line में उसमें उसमें हमने बताया था कि when we move from left to right, जब भी हम left से right की ओर move करते हैं तो numbers हमारे increase होते जाते हैं, numbers हमारे increase हो जाते हैं जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा कहीं पे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हमारा है जीरो। अब लेफ्ट साइड में एट द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो अब यहाँ पे इधर माइनस वन आएगा इधर, ठीक है, इधर आएगा माइनस टू। ओके, नाउ अब यहाँ पे थोड़ी दूर पे कहीं आएगा, सपोज हम ले रहे हैं माइनस 24, ठीक है ना। अभी आप इन नंबर्स को ध्यान दीजिए जो नंबर्स गिवन है आपके पास, माइनस 24, देन आफ्टर दैट यहाँ कहीं आएगा थोड़ी दूर पे आएगा माइनस 135, माइनस 135 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 140 आएगा कहीं इधर, माइनस 140 आफ्टर सम डिस्टेंस, देन आफ्टर दैट कुछ डिस्टेंस पे आएगा माइनस 360, माइनस 360। क्लियर, ऐसे नंबर से नंबर लाइन पे आएंगे कहीं ना कहीं। तो हमें क्या करना है, हमने ये बोला था कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं देन आर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो लेफ्ट से राइट में हमें मूव करना, देखिए हमें ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, देखिए माइनस 360 से आए हम माइनस 140 से, तो इंक्रीज करेगा नंबर, माइनस 140 ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा नंबर हो जाएगा, और माइनस 135 ये और बड़ा हो जाएगा, माइनस 124 ये सबसे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर, जो कि यहाँ पे हमारा गिवन है ये वाला नंबर। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर, ओके, यस सर।